Hello friends, welcome in RKG Biology Tutorial. In this lecture, we are going to discuss about structure of heart. Clear? Structure of human heart. And heart is hollow, muscular, elastic, contractile and pumping organ. It pumps blood throughout the body. And our heart is myogenic and it is mesodermal in origin. See, this is a typical diagram of human heart. And our heart is completely divided four chamber, that is two atria or two auricles and two ventricles. In case of Hadmania, that is the member of Eurocardata, only one chamber present in the heart, that is single chambered heart present in Hermania. In fishes, two chambered heart present, that is one auricle and one ventricle. In amphibia and reptiles, three chambered heart present, that is two auricles and one ventricle. And in birds and mammals, completely divided, four chambered heart present, that is two atria and two ventricles. See, first we label all the parts of the heart. So this chamber is known as the right atrium, and this one is the right ventricle. This is the right side of the heart, and this one is the left atrium, and this one is the left ventricle. Okay, so these are the four chambers of human heart. See, atria or auricles, they are the upper chamber of the heart. Auricles या atria ऊपर के chambers होते हैं, they are the superior chamber. Clear? And these two atria, they are separated by a septum known as interauricular septum. जो septum या जो sulcus या जो groove दोनों एट्रिया को डिवाइड करता है, दोनों एट्रिया को सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और इंटर ऑरिकुलर सल्कस भी बोल सकते हैं. क्लियर? सी, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनल स्टेज, ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, इस पे इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होता है, होल प्रेजेंट होता है, और इस होल के थ्रू राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो आपस में मिक्स होते रहता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनल स्टेज. बट आफ्टर बर्थ दिस गैप, दिस होल फिल्ड अप. बर्थ के बाद ये जो गैप है, जो होल है, वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है. क्लियर? ओके. एंड दीज टू एट्रिया आर, जो एट्रिया है ये थिन वॉल्ड होता है कंपेरेटिवली टू द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स के कंपेयर में जो एट्रिया है वो थिन वॉल्ड है. देख सकते हैं हम लोग, दिस इज द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द एट्रिया एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकल. तो जो एट्रिया है वेंट्रिकल्स के कंपेयर में थिन वॉल्ड होता है. क्लियर? और एट्रिया जो है कि ये रिसीविंग चेंबर है, रिसीविंग चेंबर है. रिसीविंग चेंबर का मतलब रिसीविंग चेंबर्स है, ये ब्लड को रिसीव करता है. राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी एंड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड आल्सो फ्रॉम द वॉल ऑफ द हार्ट. एंड लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द lungs. So atria or auricles are superior upper chamber They are thin walled and they are receiving chamber. Clear? Okay. Now we see these two are the ventricle and ventricles are inferior in position, नीचे होते हैं, and that means they are the thick walled. ये कैसे हैं? थिक वॉल्ड है, इनकी जो दीवारें हैं वो क्या है, मोटी हैं, थिक हैं, देख सकते हैं हम लोग, थिक वॉल्ड है कंपेयर टू द ऑर्किल्स. और ये क्या है, इन्फेरियर है, इन्फेरियर लोअर चैम्बर्स है. और ये जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स मतलब इनकी जो दीवारें हैं वो कंपैरेटिवली मोटी होती हैं, थिक होती हैं, और लोअर चैम्बर है, इंफेरियर चैम्बर है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है. मतलब राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करेगा टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी. दैट मीन वेंट्रिकल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं, और थिक वॉल्ड है, और लोअर इन पोजिशन है, मतलब इन्फेरियर है. क्लियर? एंड हियर right atrium and right ventricle, that is the right part portion of the heart, and they contain deoxygenated blood. कैसा blood present होता है right part of the heart में? Deoxygenated blood. और left side of the heart में oxygenated blood present होता है. Clear? Okay. Now we see this septum. About this, this is the coronary sulcus. इसको हम कोरोनरी सल्कस बोलते हैं. कोरोनरी सल्कस को हम इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? इंटर, सॉरी, दिस इज नॉट द कोरोनरी सल्कस. ओके, दिस इज द interventricular sulcus. Interventricular sulcus. Interventricular sulcus और interventricular septum या interventricular grooves भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है, दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है. क्लियर? सो दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. क्लियर? ओके. नाउ दिस सेप्टम आर सल्कस व्हिच सेपरेटिंग बोथ द एट्रिया टू बोथ द वेंट्रिकल्स. इस सेप्टम को क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज द कोरोनरी सल्कस है ये, जो दोनों एट्रिया को दोनों वेंट्रिकल से डिवाइड करता है, दोनों एट्रिया को दोनों वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, अलग करता है. ठीक है? दैट इज द कोरोनरी सल्कस. दोनों एट्रिया को दोनों वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा है, तो इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्कस. क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्कस या सेप्टम या ग्रूव. क्लियर? इट मीन इट सेपरेट, इट डिवाइड बोथ द एट्रिया टू बोथ द वेंट्रिकल्स. मीन्स अपर चैम्बर टू द लोअर चैम्बर को सेपरेट करेगा. ओके. नाउ वी सी अबाउट द कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स क्या होते हैं, देखते हैं. ये जो वॉल है हार्ट की, ऑर्किल्स में और वेंट्रिकल्स में, इनमें भी कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स सप्लाइड होती हैं. दैट मीन द वॉल ऑफ द हार्ट सप्लाइड बाई, लाइन्ड बाई कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन. coronary artery supply oxygenated blood to different parts of the wall of the heart, and coronary vein collect deoxygenated blood from different parts of the wall of heart. कोरोनरी जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है वॉल ऑफ द हार्ट को, और जो कोरोनरी वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट. एंड कोरोनरी वेन दे यूनाइट एंड फॉर्म द कोरोनरी साइनस, एंड कोरोनरी साइनस ओपन इन राइट एट्रियम. क्लियर? तो जो कोरोनरी वेन्स है ये यूनाइट होकर के कोरोनरी साइनस बनाते हैं, और कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में ओपन होता है. ओके, सो दिस इज द ओपनिंग ऑफ, आई राइट हियर, कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस. ओके, एंड दिस कोरोनरी साइनस ओपन इन राइट एट्रियम कैरी deoxygenated blood. Okay, now we see this right atrium receive deoxygenated blood from upper part of the body and from lower part of the body. See, like this, this one is the superior vena cava. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? superior vena cava. वेना कावा. ओके, एंड दिस सुपीरियर वेना कावा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम. सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, दैट मीन फ्रॉम हेड रीजन से, नेक रीजन से, अपसाइड ऑफ द हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड राइट एट्रियम में लाता है. क्लियर? ओके, और इस सुपीरियर वेना कावा को हम प्री कैवल्स भी बोलते हैं, प्री कैवल. क्लियर? ओके, नाउ वी सी दिस ओपनिंग. दिस ओपनिंग इज द इंफेरियर वेना कावा. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंफेरियर वेना कावा. दिस इज द इंफेरियर वेना कावा. And this inferior vena cava carry deoxygenated blood from lower parts of the body. बॉडी के लोअर पार्ट से deoxygenated blood को लाता है राइट एट्रियम में, इंफेरियर वेना कावा. और इंफेरियर वेना कावा को हम लोग पोस्ट कैवल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पोस्ट कैवल. ओके, सो इंफेरियर वेना कावा और पोस्ट कैवल कैरी deoxygenated blood from lower part of the body, and superior vena cava from upper part of the body deoxygenated blood. Okay, now we see about the valve, where valve present in the heart, and valve is the structure which prevent backflow of the blood. जो valve है वो backflow of blood को prevent करता है, रोकता है. Clear? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो valve के बारे में. यहाँ पे inferior vena cava और right atrium. I write here inferior vena cava और right atrium. कहाँ पे? Right atrium के बीच में कौन सा valve present है? तो इस valve को हम लोग बोलते हैं यूस्टेशियन वाल्व. कौन सा वाल्व? यूस्टेशियन वाल्व. ठीक है, इस वाल्व का नाम है यूस्टेशियन वाल्व, और ये वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम और इंफेरियर वेना कावा के बीच में, जो क्या करेगा? बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा. सुपीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम के बीच में कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है. सुपीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम का, सुपीरियर वेना कावा इस तरह से राइट एट्रियम में ओपन होता है कि जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल में जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है. क्लियर? सो देयर इज नो नीड ऑफ वाल्व तो इस तरह से सुपीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम के बीच में कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन राइट एट्रियम और इंफेरियर वेना कावा के बीच में यूस्टेशियन वॉल प्रेजेंट होता है. नाउ वी सी हियर वन वॉल, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस और राइट एट्रियम के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होता है, क्लियर, ताकि बैकफ्लो ऑफ ब्लड न हो जब राइट एट्रियम सिस्टोल करे, कॉन्टेक्ट करे. तो इस वॉल्व को बोलते हैं हम थीबेसियन वॉल्व. क्या बोलने वाले? थीबेसियन valve, clear. So these two valve are very important. Thebesian valve present between right atrium and coronary sinus, which prevent backflow of blood, and eustachian valve present between right atrium and inferior vena cava, and there is no valve present between right atrium and superior vena cava, clear. Okay, now we see about this chamber, left atrium, and this left atrium also receive oxygenated blood from lungs. लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स. 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम, क्लियर. So I represent here. This is the opening of pulmonary vein, and this pulmonary vein is the exception which carry the oxygenated blood. सभी वेन्स deoxygenated blood को carry करते हैं. हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे कि जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है क्या कि जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, एंड दे ओपन इन लेफ्ट एट्रियम थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स, क्लियर. ओके, नाउ वी सी दिस राइट एट्रियम ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल. ये जो राइट एट्रियम है राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है. तो इस ओपनिंग को बोलते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर. क्या बोलने वाले हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर. ओके, सो दैट इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर. दिस वन इज द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर एंड दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, क्लियर. सी हियर बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल देयर इज अ वॉल्व. एक वॉल्व प्रेजेंट होता है और इस वॉल्व को बोलते हैं हम लोग, दिस इज द वॉल्व एंड दिस वॉल्व इज नोन एज राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. बहुत ही आसान नाम है. राइट साइड में है तो राइट हो गया, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर हो गया, दैट इज द वॉल्व. सो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन, कहां पे प्रेजेंट है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, क्लियर. एंड दिस वॉल्व ऑल्सो नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व. और ट्राइकस्पिड वाल्व का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है. 3 सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर, दीज आर द कर्स्प. इसको क्या बोलते हैं? कर्स्प या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज द फ्लैप्स आर कर्स्प. तो इस तरह से दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, क्लियर. ओके, हियर हम लोग यहां पे लेफ्ट साइड में भी देखते हैं. दिस इज आल्सो अ वॉल्व विच प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. यहां पे तो इसको हम लोग बोलते हैं, आई राइट हियर, दिस इज द लेफ्ट साइड. सो क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है. कहां पे प्रेजेंट है, दैट इज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है. और इसी लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व को हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व. बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं. क्लियर. तो बाइकस्पिड वाल्व कुछ इस तरह से होता है. अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो इस तरह से, ठीक है, दो कस्प, इस तरह से दो कस्प या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. सो दैट इज द बाइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व. Okay, so once again I recap in brief. Valve present between right atrium and inferior vena cava, that is the eustachian valve, and valve present between the coronary sinus and right atrium, and that is the thebesian valve. Valve present between right atrium and right ventricle, that is right atrioventricular valve, that is the tricuspid valve. And valve present between left atrium and left ventricle, that is the left atrioventricular valve or bicuspid valve. And there is no valve between superior vena cava and right atrium. Okay. So in next lecture we will discuss more detailed structure, internal structure about the heart. So I request, please subscribe my channel. Like, share, comment the videos.